नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना से खबर है, नीतीश कैबिनेट का कल विस्तार होने वाला है। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी तेज हो गई है। कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल फागू सिंह चौहान पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को दिलाएंगे। तो ये जो अब तक बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें ये सामने आया है कि कल आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनेंगे, जबकि जेडीयू के कोटे से 12 और कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री कल पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था तो केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन लोग होंगे, किन्हें कौन सा महकमा मिलेगा, इस पर लगातार माथापच्ची जारी है। लेकिन ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सारी बातें, सारी चीजें तय हो चुकी हैं, केवल उसको अमली जामा पहनाना है। और इसी सिलसिले में कल 11:30 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से। राजभवन के राजेंद्र मंडप में सभी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और जो अभी तक जो बातें चल रही हैं उसके मुताबिक आरजेडी के कोटे से 16, जेडीयू के कोटे से 12 और कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। कल होना है, कल सुबह 11:30 में जो तमाम महागठबंधन के मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। इसकी तैयारी है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। राजभवन की में तैयारी चल रही है। राजेंद्र मंडपम जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो शपथ ली है, डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने शपथ ली है, उसी हॉल में, उसी कह लीजिए जगह पर जो तमाम मंत्री होंगे कल वो शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से कल ये कई जो बड़े सीनियर नेता हैं वो शपथ ले रहे हैं, जबकि जदयू की ओर से वो तमाम जो मंत्री फिलहाल हैं उन्हें रिपीट करने की खबर आ रही है। हाँ, उसी में से एक दो को एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राजभवन के जो राजेंद्र मंडपम है वहाँ पर शपथ ग्रहण कल होगा। पद की गोपनीयता की शपथ कल दिलाई जाएगी। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवजीत से बात करते हैं। नवजीत, अब तय हो गया है, वक्त मुकर्रर हो गया है कि कल 11:30 बजे महागठबंधन सरकार में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो क्या फॉर्मूला तय किया गया है, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी की गई है, कौन कौन लोग उसमें मौजूद रह सकते हैं? नवजीत, देखिए बिल्कुल जो तैयारी कह लीजिए अभी शुरू हो चुकी है। अभी राजभवन के पास ही मैं हूँ, अंदर से भी आवाज़ जो होता है, सबसे पहले जो राजेंद्र मंडपम है उसमें से सुनाई ये दे रहा है कि किस तरीके से जो तमाम जो संसाधन है वो जुटाए जा रहे हैं। सबसे हम जो सवाल आपने किया है कि कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि राजद की ओर से जो सबसे बड़ा लिस्ट है उसको फाइनल कर ही दिया गया है। देखना होगा कि कौन कौन लोग होंगे, लेकिन जो खबरें ये आ रही है सूत्र के हवाले से, जो खबर यही आ रही है कि जो सीनियर मोस्ट नेता हैं जैसे भाई वीरेंद्र हो गए और जो तमाम जो बड़े नेता हैं आलोक मेहता हैं और नाम जोड़ लीजिए, तो कम्बिनेशन देखा जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग को देखा जा रहा है। सूत्र के हवाले से भी खबर है कि जो माथापेची जो सबसे ज़्यादा हो रहा है आरजेडी में मंत्री को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक जो कास्ट फैक्टर है यादव फैक्टर को लेकर के देखने को मिल रहा है कि किन्हें कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। रही बात जदयू की, तो जदयू की ओर से लगभग वो जो चेहरे तमाम जो रहे हैं, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, जो तमाम जो चेहरे रहे हैं वो ही रिपीट करें, लेकिन उसमें से भी एक दो चेहरे हैं वो नए आ सकते हैं, किसी का नाम भी काटा जा सकता है। अंतिम सूची अभी नहीं गई है, हम अभी दिखा रहे हैं तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर से मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो किसी भी वक्त राजभवन वो सूची लेकर पहुँचेंगे और राज्यपाल को वो सूची है यानी कि मंत्रिपरिषद की जो सूची है वो सौंपेंगे। तो यही तस्वीर है, अभी अब से कुछ देर बाद संभवतः जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के वो राजभवन जाएँ और सूची को सौंपें। और तैयारियां के बारे में जैसा कि मैं बता रहा हूं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कह लीजिए खाने पीने की जो व्यवस्था है या फिर कारपेट हो, बिजली बत्ती हो,
जो तमाम जो सुविधा है वो की जा रही है। और खबरें जो अभी आ रही है सूत्रों के हवाले से यही कि 11:30 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है कल शपथ ग्रहण को लेकर के। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से, यदि कांग्रेस की बात कीजिएगा तो जो कलह देखने को मिला है कांग्रेस के जो पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में, वो किस तरीके से देख सकते हैं कि जो भक्तचरण दास हैं बिहार प्रभारी हैं उन्होंने संभवतः दो नाम पे मुहर लगाया है। देखना होगा कि कांग्रेस के तरफ से जो सूची है वो किस तरीके से, तो तैयारियां पूरी एक तरीके से कर ली गई है, तमाम जो चीज़ें हैं वो कंफर्म कर लिए गए हैं। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी कहा है कि सब कुछ पक्का हो चुका है। हम की बात कीजिएगा, देखिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है तो वहाँ से भी एक मंत्री बनाने की जो बात चल रही है तो उसमें से भी कोई नया चेहरा नहीं देखने को मिल सकता है, चूँकि जो संतोष सुमन हैं, डॉक्टर संतोष सुमन हैं, उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो जो कह लीजिए कि जदयू हो, हम हो, ये जो तमाम दोनों जो दल हैं उन दलों से ज़्यादातर वही पुराने चेहरे रिपीट होंगे। एक दो को यदि छोड़ दिया जाए, सोशल इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए तो वही चेहरे हो सकते हैं। एक ये भी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी हो सकता है कैबिनेट में जगह मिले, तो लिहाजा जो शीला मंडल हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है ड्रॉप हो सकती हैं। जयंत राज के बारे में भी एक है कि क्या वो आएंगे, रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, तो ज़्यादा माथापेची है वो जदयू में ना करके राजद की तरफ देखने को मिल रहा है। राजद का भी लिस्ट है वो एक तरीके से पूरे फाइनल नहीं हुआ है। खबरें और जो विश्लेषक हैं या जानकार लोग बता रहे हैं कि वित्त मंत्री के तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी बात आ रही थी, लेकिन देखना होगा कि क्या MLC अगले 6 महीने में खाली हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो तमाम तरह चीज़ों पर बात चल रही है, एक तरीके से फाइनल लिस्ट कर लिया गया है। लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो हैं उनसे मुलाकात करके तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर भी बोला था कि हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फाइनल कर लिया गया है। सोनिया गांधी से भी बात हो चुकी है, तो अब देखना होगा कल जो चेहरे आते हैं सामने उनको कौन कौन से नए चेहरे आते हैं, कौन से नए युवाओं को जगह दी जाती है, मंत्रिमंडल की जो लिस्ट होगी मंत्रिपरिषद की उस पर नजर रखनी होगी कि आखिर उनमें कौन कौन से नाम शामिल होंगे। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी तक जो बातें पता हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 16 मंत्री RJD से जबकि 12 मंत्री JDU से और 3 मंत्री कांग्रेस से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद महकमों का बंटवारा कैसे होगा उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही होंगी और जाहिर सी बात है कि वक्त रहते इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा।